गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी आवर सिक्स्थ चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर फ्रॉम द बुक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ जीवन संस पब्लिकेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर आपको नोट करना है कि जनरल फॉर्म में हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो जब भी आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर 1 से डिफरेंट है तो उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके सबसे पहले वो कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। फिर जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसे इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके dy by dx का कोफिशिएंट कहलाएगा p, y का कोफिशिएंट कहलाएगा q, राइट साइड पर जो टर्म है वो कहलाएगा r। ये सभी की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके फंक्शन होंगे सिर्फ वेरिएबल x का। अब हम इस चैप्टर में 5 टेक्निक्स पढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए इस टाइप की इक्वेशंस को। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी टेक्निक 1 से, जिसमें हम चेंज करेंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को और आपको क्या गिवन होगा, एक इंटेग्रल इंक्लूडेड इन CF। CF में जैसे कि आप यूँ समझ लें कि 2-3 फंक्शन प्लस करके लिखे होते हैं, तो उन फंक्शन में से किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप किसी टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म को रिमूव करेंगे और अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। फोर्थ मेथड है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और फिफ्थ मेथड है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अब हम अपने मेथड पे आते हैं। अब आपने जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करना है मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर आपने नोट करना है कि जो भी आपके जनरल इक्वेशन में यहाँ पर आर था, मैं उसका एक पर्टिकुलर केस लेकर चल रही हूँ जब यहाँ पर इक्वल टू जीरो है। इस इक्वेशन का अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, मेन है आपके दो फार्मूले। आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल टाइप का हो तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर आपका 1 + p/m + q/m² 0 है, p और q की वैल्यू क्योंकि आपको गिवन होगी, तो आपका e^mx एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट आ जाएगा। लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें m की सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं जो यूज हो रही हैं। मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में तो m की वैल्यू या तो 1 यूज होती है या -1। 1 के लिए आएगा आपका e^x और उस केस में कंडीशन बन जाएगी ये, -1 के लिए आएगा e^-x और उस केस में कंडीशन बन जाएगी ये। तो सबसे मेन तो आपको यही दो कंडीशन याद रखनी है। एक क्वेश्चन है जो सिर्फ m = 2 वैल्यू के लिए वर्क करता है, उस केस में आपका सॉल्यूशन बनेगा e^2x और ये कंडीशन रिड्यूस कर जाएगी 1 + p/2 + q/2² तो सबसे ज़्यादा आपने हर क्वेश्चन में इन दो ही कंडीशंस को चेक करना है एक्सपोनेंशियल के केस में कि क्या p और q की वैल्यू में 1 ऐड करने से 0 आ रहा है या 1 - p + q 0 बन रहा है। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइप का नहीं होगा तो वो किस टाइप का होगा, x^m टाइप का। यहाँ पर दो ही टाइप हैं, तो x^m के लिए जनरल क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, m - 1 + mpx + qx² तो वैसे आप ये जनरल याद रख सकेंगे, लेकिन यहाँ भी m की सिर्फ दो ही वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो m 1 ही यूज हो रहा है, तो उस केस में आपने क्या याद रखना है, p + qx अगर 0 हो रहा है तो y = x एक सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन में m की वैल्यू 2 भी यूज हो रही है, इससे m को 2 पुट करके ये कंडीशन आती है, तो ये केस भी आपने क्वेश्चन के लिए याद रखना है। तो टोटल आप यूँ समझ लें कि दो कंडीशन यहाँ से
और तीन कंडीशन मेन आपको यहाँ से यूज करनी है। टू वाला केस यहाँ भी एक ही बार यूज होता है, वो भी एक ही बार, तो मेन आपके पास तीन कंडीशन हो गई। कि आप क्या चेक करेंगे कि वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो है क्या, वन माइनस पी प्लस क्यू जीरो है, या पी प्लस क्यू एक्स जीरो है। 90% क्वेश्चन तो आपके इन्हीं तीन कंडीशन से हो जाएंगे। अब ये सॉल्यूशन निकालने के बाद एक्चुअल मेथड में क्या प्रोसेस आपने यूज करनी है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले देखिए ये इक्वल टू जीरो वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से, ये जो मैंने अभी अबव मेथड डिस्कस किया था, और उस सॉल्यूशन को मैं किससे डिनोट करूंगी, यू से। क्वेश्चंस में अगर सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल और एलजेब्राइक टाइप का नहीं है तो क्वेश्चन में वो आपको साथ में गिवन होगा। सेकंड स्टेप क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से वी में चेंज करना है और वाई को क्या पुट कर देना है, यू इनटू वी। यू की वैल्यू तो जो फर्स्ट स्टेप से आएगी यहाँ पुट हो जाएगी, वी को रखेंगे एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपने क्या कैलकुलेट करना होगा, डी वाई बाय डी एक्स और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिए, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी। ये सारी वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन कौन सी, जिसमें आपका इक्वल टू आर है, तो आपकी रिड्यूस होके इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आप जरा इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ चेक करेंगे कि जो वी वाली टर्म है वो यहाँ पर एब्सेंट है, वी वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। अगर आपका सॉल्यूशन करने के बाद जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वी प्रेजेंट है तो आपके सॉल्यूशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। दूसरा ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है ये किस इक्वेशन में पुट करनी है, जिसमें इक्वल टू आर आपको गिवन है। सिर्फ ये वाला जो स्टेप है इसमें इक्वल टू जीरो वाला पार्ट यूज करेंगे, आगे फर्दर जितना भी सॉल्यूशन है हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे जिसमें इक्वल टू आर है। अब ये जो नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें v एब्सेंट है और y की जगह v है, उसमें dv by dx को नया वेरिएबल p पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये p डैश का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और उसे रख दें e की पावर में। सॉल्यूशन होगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके p निकाल लेंगे तो p को दोबारा से क्या पुट कर देंगे, dv by dx, फिर से इंटीग्रेट करेंगे आपके पास v आ जाएगा, u आपके पास पहले आ ही चुका है, y इज इक्वल टू में u और v की वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन है, सबसे पहले से जनरल फॉर्म बनाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर से पूरी को डिवाइड कर दिया। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ये आ गई पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए पी और क्यू की वैल्यू को देखें तो पी की वैल्यू से क्यू की वैल्यू को कैंसिल करने के लिए क्लियर विजिबल हो रहा है कि मैं पी प्लस क्यू एक्स करूँ, क्यू की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो पी ही बन जाएगी, तो पी प्लस क्यू एक्स जीरो बन रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया आपका पार्ट ऑफ सी एफ। फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट। सेकेंड स्टेप में y को क्या पुट करना होता है, u इंटू वी। अब एक्चुअल में u की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, x। y को u इंटू वी यानी कि x रखा और फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से, देखिए dv बाई डी एक्स x एज इट इज, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे या फिर u इंटू वी लगाएंगे और आपका ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज अपनी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करके आई थी उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद जब आप लाइक क्रम से कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव dv की आपकी ये दो टर्म्स थी, इन दोनों टर्म्स में देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सिंपल क्या बच जाएगा, dv by dx। फिर आप जब अपनी v की टर्म्स देखेंगे, v की एक टर्म तो ये है और एक ये देखिए x के मल्टीप्लाई के साथ ये है, तो कैंसिल हो जाएगी और साइड साइड से बच गया e की x, और जो x था सभी में उसको मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो ये अब आपकी एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, p को पुट कर दूं dv by dx तो इक्वेशन बन गई ये। तो अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p का कोफिशिएंट क्या है, -1, इंटीग्रेशन कराई कि -x आ गया।
अब यहाँ पे y की जगह आप यूँ समझिए कि आपका p यूज हो रहा है, तो p इंटू e की माइनस x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन का साइन राइट साइड वाला फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैंसिल होके बन गया 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो p की वैल्यू आ गई x e की x, इधर आ जाएगा और p को पुट कर दूं मैं dv बाय dx, सेपरेट करके वेरिएबल फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए x e की x का इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स से, आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e की x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, c1 एज इट इज आ गया आपका e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब y क्या है आपका, v इंटू में u, u की वैल्यू थी x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए, सबसे पहले पार्ट वन बनाना है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आपका p है और ये आपका q है, आपको क्लियर दिख रहा है कि p में q x ऐड करते ही जीरो हो जाएगा तो u की वैल्यू आ गई वही। अब ये वाला y की वैल्यू जो vx का डेरिवेटिव करने वाला पार्ट है, सेम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करी, लाइक टर्म के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिया, यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं v वाली टर्म कैंसिल हो गई, फिर dv by dx को p पुट करा तो ये आपकी बन गई इक्वेशन ये। अब ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको सबसे पहले निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं करूँगी इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देखिए ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो मतलब आपने 2 से डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और इसका इंटीग्रेशन 2 लॉग एक्स आ गया। अब देखिए ये पावर मैं ऊपर ले जाऊँ, यहाँ से पावर एक्स के लॉग की प्रॉपर्टीज लगाकर सिंप्लीफाई कर, फिर ये आपका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है, देखिए मैंने सारी वैल्यू पुट करी, ये कैंसिल हो गया, ये अभी यहाँ एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब बाय 3 आ गया, ये टर्म्स लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने पी को रिप्लेस कर दिया डी वी बाई डी एक्स से इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बाहर डेरिवेटिव बनाना था तो चाहिए था माइनस 2x, माइनस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव बन नहीं सकते, मैंने इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसे सेकेंड फंक्शन मान लिया। सेकेंड फंक्शन हम उससे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए, तो फर्स्ट फंक्शन के कंपेरिजन में इसका इंटीग्रेशन ईजी है, आपने यहाँ तो सिंपल फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव है वो फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है इसलिए आप इसे खुद करेंगे, v की वैल्यू को u की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है पी क्यू आर, ये आ गया, अब आपको क्लियरली विजिबल है पी क्यू से कि पी क्यू में 1 ऐड करें तभी ये 0 बनेगा, तो आपका सॉल्यूशन का पार्ट जो आ गया वो आ गया e की पावर x। अब y को मैं पुट करूँ v e की x, तो वैसे ही बाय यू प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करा और फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी, पुट करते ही आपकी डायरेक्ट ये फॉर्म आ गई, लेकिन अगर यहाँ शॉर्टकट है इसलिए आप इसे पूरा करके दिखाएंगे, यहाँ पर आप इसे पूरा डिटेल से प्रूव करेंगे। फिर dv by dx को मैंने पुट कर लिया p, तो अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस log sin x है, एक्सपोनेंशियल से सेपरेट करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्यूशन का ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ देखिए साइन से साइन कट गया, e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाय 2, ये वाली टर्म इस साइड आ गई तो यहाँ देखिए e की 2x कैंसिल हो गया, साइन x बाय 2, अब बाय दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ये पार्ट अब आपका है, आप खुद सॉल्व करेंगे इसे और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, और दोनों u और v को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें सबसे पहले देखिए y2 के मल्टीप्लाई में टर्म थी तो मैंने डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये आपके रिक्वायर्ड pq और r यहाँ पे ऑलरेडी ही आपको जीरो ही गिवन है। अब ये वाला जो केस है, मैंने आपको बताया था कि दो ही आपके क्वेश्चंस हैं जिनमें m इज इक्वल टू 2 का केस यूज हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि p और q को ऐड करके 1 ऐड करें या माइनस 1 करें या आप इसमें p प्लस क्यू एक्स करें, वो कोई भी केस यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको m इज इक्वल टू 2 का केस लेना पड़ेगा। तो आप 2 प्लस 2px प्लस 2x स्क्वायर में जैसे ही वैल्यूज पुट करके एलसीएम लेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। ये वैल्यू आपको प्रैक्टिस से याद रहेंगी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया पार्ट ऑफ ca। आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, y को पुट करेंगे vx स्क्वायर, डेरिवेटिव निकाल लिए, इवन इक्वेशंस में पुट कर दिए,
पुट करने के बाद अब ध्यान से देखिए, वी वाली जो टर्म्स आएंगी वो दोनों टर्म यहाँ सेम आ जाएंगी और आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। यहाँ पर देखिए ये वाली जो पार्ट है, आप इसका चाहो तो एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर लो, या इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट टर्म से यह सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, आपकी दोनों टर्म्स बच जाएंगी। अब एक्चुअल में यह राइट साइड वाला पार्ट ही नहीं है, तो मैंने पी को तो पहले पुट करा डी वी बाई डी एक्स की जगह पी पुट करके वैल्यू बनी ये, तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट वेरिएबल ही सेपरेट हो रहे हैं, तो मैंने डी पी के साथ पी रख लिया और डी एक्स ले गया इस वैल्यू के साथ। 1/p का इंटीग्रेशन तो लॉग भी सिंपल, 4/x का इंटीग्रेशन 4 log x। अब यहाँ देखिए इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर वाली टर्म आ जाएगी, ये पार्ट आप खुद चेक करेंगे कि कैसे ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो गया लॉग c1। अब लॉग की प्रॉपर्टी, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ गया, जो माइनस में है वो डिवाइड में आ गया, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेकर लॉग कैंसिल कर दिया, ये आपका पी का सॉल्यूशन आ गया। मैं बाकी पी इधर रख के बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाती हूँ। अब इसमें पी की जगह पुट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप काम खुद करेंगे। यहाँ पर आप एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे आपकी दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आप इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कीजिए और आपका वी आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया वी इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। फिफ्थ एग्जांपल में देखिए वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स एक सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि इसके एक्सपोनेंशियल और एक्स की पावर्स में कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा। कंपेयर करने पर आपको पता चल गया कि यहाँ पी अगर आपको निकालना हो तो उसकी वैल्यू देखिए टर्म माइनस में इधर आ जाएगी ना, -2/sin²x है, नहीं पी नहीं, ये आपका क्यू बनेगा, सॉरी ये आपका वाई का कोफिशियंट है, इसलिए क्यू की वैल्यू है। जनरल फॉर्म में वाई वाली टर्म लेफ्ट साइड पर ही होती है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया और पी और आर आपके यहाँ क्या है, जीरो। सबसे पहले y इज इक्वल टू वी कॉट एक्स सोल्यूशन गिवन है, तो मैंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया u इंटू वी से डेरिवेटिव करके, फिर दोबारा u इंटू वी करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया और इसे इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप देख रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ y इन्वॉल्व था, लेकिन अब वैल्यू पुट करने के बाद आपकी v वाली टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है और आपकी ये टर्म बच गई। इसे सिंप्लीफाई करने पर आपकी टर्म बन गई ये, यहाँ आपने क्या किया है dv by dx को p पुट करा और वेरिएबल्स को अब हमने क्या कर लिया, सेपरेट। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद देखिए cot x का डेरिवेटिव होता है -cosec², तो जब फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, और 1/p का इंटीग्रेशन हो गया log b, सिंपल इंटीग्रेशन, दोनों को कंबाइंड करके सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही जब आप p की जगह पुट करेंगे dv by dx तो उधर आ जाएगा आपका c1 tangent square x, dv इधर रखूं dx उधर ले जाऊं। tangent square x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो मैंने इसे sec² x माइनस 1 कर लिया, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, जो भी v का आंसर आए उसे cot x से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल जो है, अभी ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो वैसे ही मैंने डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो जो भी आपके फॉर्मूले m इज इक्वल टू 1 और -1 के थे, अगर आप वो यहाँ ट्राई करके देखें तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कभी भी आपकी वैल्यू उनसे जीरो नहीं बन रही। तो यही बस वो एक क्वेश्चन है जिसमें m इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल में आपका सॉल्यूशन बनता है कि यहाँ पी बाय 2 प्लस क्यू बाय 2² + 1 आपका क्या बनता है, जीरो। प्रैक्टिस से आपको याद रह जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में भी यही स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट की हुई है। m इज इक्वल टू 2 का एक क्वेश्चन इस टाइप में है और एक ही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप में था, तो मतलब y क्या बन गया, v e की 2x डेरिवेटिव कर दूं मैं बाई u इंटू v, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले देखिए क्या करें, ये e की 2x है हर टर्म में है तो मैं इसे कैंसिल कर लेती हूँ कि -2x से मल्टीप्लाई करके, आपका सिंप्लीफाई करके बन गया ये। फिर क्या करें, v वाली dv by dx वाली सारी टर्म्स कलेक्ट कर लूँ तो v वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपका आंसर बच जाएगा ये। फिर हम dv by dx को क्या पुट कर दें, p, तो रिजल्टिंग इक्वेशन बन गई ये। अब ये जो इक्वेशन है आपकी फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका है p डैश, तो e की पावर में करना इसका इंटीग्रेशन। आपको याद है जब भी आपको px
यानी कि कोई पॉलिनोमियल बाय में क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है तो आप क्या देखते हैं कि क्या दोनों की डिग्री सेम है या पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री सेम। क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, पी एक्स को डिवाइड करते हैं अपने क्यू एक्स से। डिवाइड करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आप मान लें कि कोशेंट आता है आपका क्यू एक्स, इसको मैं समझ लो कि क्या लिख दूं, जी है ये, आप कंफ्यूजन नहीं होगा इससे आपको, यहाँ भी रिप्लेस कर देते हैं, ये है आपका जी एक्स क्यू एक्स और रिमाइंडर आ गया आपका आर एक्स। तो ये जो पी बाई क्यू है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस क्यू बाय जी। ठीक है, तो देखिए वही हमने करा, x प्लस टू और 2x प्लस थ्री की डिग्री सेम थी, इस x प्लस टू से 2x प्लस थ्री को डिवाइड करेंगे, ये है आपका रिमाइंडर माइनस कोशेंट, मैंने यहाँ गलती से रिवर्स लिख दिया था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होता है, तो कोशेंट 2 माइनस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, 1 बाय x प्लस 2 का लॉग x प्लस 2। सिंपल आपने एक्सपोनेंशियल और लॉग की प्रॉपर्टी लेकर इसे सिंप्लीफाई करा, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कन्वर्ट करके आ गया आपका ये। अब आप क्या करेंगे, इस पार्ट को बाय पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 11th 12th बेस्ड वर्क है, फिर आप देखेंगे इस पार्ट का इंटीग्रेशन करें बाय पार्ट्स, तो ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो आपका p आ गया, p को लिखा dv बाय dx, इंटीग्रेशन का साइन इधर ले आए, e की माइनस x का इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x प्लस टू को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया, ये आपका v आ गया, y है v इंटू u और मल्टीप्लाई कर देंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगी। थैंक यू।